को हाल ही में खबर बताई थी कि मुख्तार अहमद नामी शख्स को कुछ नौजवान बच्चों ने इल्जाम लगाया कि मासूम बच्चियों के साथ जबरदस्ती करता था और उन्हें नशे की गोली खिलाकर उनके साथ गलत हरकत करता था और कुछ बच्चियों को अगवा करने की कोशिश कर रहा था। उसी ताल्लुक से आज मुख्तार अहमद की वालदा ने अपने मोहल्ले वालों के साथ मुख्तार अहमद के इंसाफ के लिए एहतजाज करते हुए कहा कि मुख्तार अहमद दिमागी हालत से कमज़ोर था, यानी दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है और मुख्तार अहमद 100 रुपए की नौकरी करता था दवासाज की दुकान पर और उनका कहना था मुख्तार का दिमाग बहुत कमज़ोर है 5 साल के बच्चे जैसा। मोहल्ले वालों ने और मुख्तार अहमद की वालदा असदुद्दीन ओवैसी साहब और पुलिस डिपार्टमेंट से रिहा करने की अपील की। आइए नाज़रीन देखते हैं ये रिपोर्ट। तीस साल से बच्चे को देख रहे हैं, बच्चा बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह दुकानों पे से चिल्ड्रन डे खरीद के खाता, समोसा खरीद के खाता, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह उसका दिमाग है। वो बच्चे को ये नहीं देख रहे कि कौन सी फैमिली से बिलोंग करता बच्चा और वो बच्चियाँ किस फैमिली से बिलोंग करते, ये तहकीक करे बगैर हो जाता, तहकीक करे बगैर बच्चा कौन सा, कम से कम वो बच्चियाँ कौन से खानदान से है, कहाँ से है, वो बच्चियाँ क्या तरीके से रहने वाला है, बच्चा किस तरीके से रहने वाला है, कम से कम तहकीक करके कार्रवाई करना चाहिए था। ये तो बहुत ही गलत हुआ बच्चे के साथ, बच्चे की गवाही पे बच्चे को जैसे लेके चले गए, जो दवाई दिया उसको तो पकड़े नहीं, उसको बच्चा एक बार दो गवाहियां दे रहा है, एक बार बोल रहा बच्चा ऑटो में से निकाला बोल रहा, फिर दूसरी बार बोल रहा बच्ची को ऊपर से हटाया बोल रहा बच्चा, और एक बार बताया बच्चा ने ये बच्चे पहले भी मैं पकड़ा हूँ बोल के, जो लेके आए कम्प्लेट उनको भी रोकना था या बच्चियों को रोकना था, बच्चियों के माँ बाप को किसको रोकना था, बिना तहकीक के केस करें बच्चे के, बिल्कुल इंसाफ चाहिए बच्चे का, क्योंकि बच्चे का दिमाग कमजोर है, बच्चा बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह एक ही गवाही पे पकड़ लिए, अब हम इतने मिलके गवाही दे रहे हैं, अब होना बच्चे को छोड़ना होगा, इसकी तहकीकात पूरी से पूरी करे, कहाँ क्लिप्स है उसके देखो, बच्चा कहाँ से चढ़ा, कहाँ से उतरा, क्या करा, और वो एक बच्चे की गवाही पे पुलिस वाले पूरा इतना बड़ा केस बना दिए, जो वो बच्चे को तो जैसे कुछ भी नहीं करे, बच्चे को पकड़ ले, उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है बोल के पूरे आप लोगों को बस्ती वाले में आके तहकीकात तक नहीं करेंगे, बच्चा कैसा है, कहाँ रहता है, किधर करता, लिख जाके रख दिए, उसके बाद में भी उनको जैसे अब बोल रहे रिमांड में डाल दिए बोल के बोल रहे, तो बगैर तहकीकात के रिमांड कैसा लेते, बगैर इंक्वायरी के रिमांड कैसा लेते। हम अंजनी कुमार यादव से अपील करते हैं कि इसकी पूरी कार्रवाई करे आप लोग, असदुद्दीन ओवैसी साहब से, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से इसकी तहकीकात करे करने की इल्तिजा करते हैं हम लोग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मेरा बच्चा छोटा है, वह उसको जो है समझ नहीं है, उसके दिमाग कमजोरी है, जो है 100 रुपए की नौकरी करके दवा का दुकान में काम कर लेता, उसका दिमाग बहुत कमजोर है, 5 साल का हुआ तो है, 1 साल के बच्चे की समझ आती बोला, इसलिए जो है बच्चा जो है कमजोर है, छोटे बच्चा मेरा बड़ा बेटा था नहीं चखा लगा, मैं अकेली हूँ बूढ़ी, मेरे को उसके बच्चे का सासुरा है मेरे को, वो बच्चे को जो है पकड़ के शादी में जा रहा था, उन्हें जबरदस्ती जो है सदान गुट्टे पे पकड़ के जो है ऐसा करा, किडनेप करा, वो करा बोल के ले जाके जो है मेरे बच्चे को डाल दिया, आप मेहरबानी करके मेरे बच्चे का करके उसको छुड़ाइए मेरे पास। आपके बच्चे का नाम क्या है माँ? मुख्तार अहमद। कहाँ रहते हो? बाबा नगर। क्या उम्र है उनकी? 32 साल। क्या करते हो? दवा सास की दुकान में काम करते हैं। कहाँ पर अम्मा? बाबा नगर में हबीब फैशन हाल के पास। मैं असद साहब से असदुद्दीन साहब से जो है अपील कर रही हूँ, मेरे बच्चे को राम करके कैसा भी जो है उसको छुड़ा दो, और उसका कोई नहीं है सिवाय मैं हूँ, मेरा बच्चा है अकेला, बच्चे को देख के जीती हूँ मैं, उसको दिमाग की कमजोरी बहुत है, सारे लोग बस्ती के लोगों से आके पूछो आप कैसा है वो बच्चा और कितने साल से है और क्या काम करता है और क्या है, सो पूछ लो आके, अब उससे ज्यादा उसको जबरदस्ती शादी में जा रहा था, उन्हें शादी में जा रहा था तो गुट्टे करने पकड़ के जो है उसको बच्चियों को लगा दे के मारा वो करा, वो बच्चे कुछ मार के जो है वहाँ का वहीं जो है आके यहाँ पूछे बस्ती में आके कहाँ का बच्चा है क्या कर रहा है कई को है क्या है, तो खाली फिली ले आके जो है पुलिस थाने में डाल दिया उसको, वो जो बच्ची थी उन्हें फकीर नहीं मंगने को आई तो उन्हें हाथ से झटक दिया, हाथ में दस्ती थी तो उन्हें बोले कोलो फराम सिखा रही मेरे को पाँव पकड़ ली नहीं है पैसे बोले तो पाँव पकड़ ली बच्चे का, वह पाँव झटका दिए तो बच्ची गिर गई, गिर गई तो बोल रहा है मैं
क्या बोलते मारा देखो गई करके घाया करके सब लोगों को जमा कर तो चार पांच देने मिलके मेरे बच्चे को मार के जो है ले जाके पाकिस्तान में शायद डाल दिया होगा। नाजरीन इस खबरनामे के ताउन करदा इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर टोली चौकी पोडियम मॉल हैदराबाद। दोस्तों आज ही विजिट करिए इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर पोडियम मॉल टोली चौकी ग्राउंड फ्लोर और हमसे मिलकर जानिए बिजनेस करने का तरीका। होलसेल में आप मुझसे माल ले सकते हो और फ्रेंचाइज के बारे में जानकारी ले सकते हो किस तरीके से खोलना है। प्रमोशंस वगैरह के बारे में कॉन्टेक्ट करिए इस नंबर पे।